हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मैथमेटिक्स चैनल पे। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे और प्लस आपकी जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज का हम टॉपिक लेने वाले हैं रियल एनालिसिस में से, दैट इज द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। और यहाँ पे हम कोई लेंथी मेथड से सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक बता देती हूँ, एक छोटा सा हम कहते हैं ना, एक छोटी सी ट्रिक लगा लो या एक छोटा सा आइडिया ही ढूंढा है इसे सॉल्व करने के लिए। पूरा डेफिनेट नहीं हूँ मैं, बट आप ट्राई करके देखना कि आपके भी सब क्वेश्चन वैसे हो रहे हैं। अगर हो गए दैट मीन्स मेरी ट्रिक हो गई, एप्लीकेबल हो गई, ठीक है ना। तो देखते हैं हम भी कौन सी ट्रिक के अकॉर्डिंग हम चलने वाले हैं, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वही क्वेश्चंस हैं, वो जितनी सीक्वेंस मैं यहाँ पे लूँगी ना, वो सारी सीक्वेंस, क्योंकि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट के बारे में बात कर रहे हैं, यही सीक्वेंस आपको बार बार रिपीट होती हैं। ये नहीं है कि आपको हर टाइम न्यू सीक्वेंस आती है, बट ये ध्यान रखना मैं सीक्वेंस की बात कर रही हूँ। मैं ऑलवेज बोलती हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज में डिफरेंस होता है। यहाँ पे मैं सीक्वेंस लेके चल रही हूँ, सीरीज हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है ना। तो सीक्वेंस यही सीक्वेंस है जो आपको रिपीट होती रहती है, चाहे आपका IIT जैम का एग्जाम है, चाहे आपका MSc एंट्रेंस का एग्जाम है। तो रियल एनालिसिस में से यही क्वेश्चन डैम बनेंगे। तो देखते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को हमने सॉल्व करना है। आपके पास सीक्वेंस आती है और लिखा होता है इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल रियल एक्स, ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं। तो मैंने क्या एक ट्रिक निकाली है, देखिए थोड़ा ध्यान से। देखिए अब आपके पास मैंने यहाँ पे फोर सीक्वेंस लिख रखी हैं। फॉर अ फर्स्ट सीक्वेंस को जज कीजिए। फर्स्ट में न्योमिनेटर और डिनोमिनेटर, न्योमिनेटर में देख लो, डिनोमिनेटर में तो सबके साथ n होगी होगी, क्योंकि हमारी सीक्वेंस f ऑफ n x है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर न्योमिनेटर में n आ जाता है, इफ देयर इज अ n इन न्योमिनेटर, क्या आ जाता है न्योमिनेटर में, n आ जाता है, तो क्या करोगे, तो आपकी ये सीक्वेंस नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट होगी, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट इन 0 to 1। उस इंटरवल में, जिस इंटरवल में 0 कंटेन हो रही है, उस इंटरवल में ये सीक्वेंस इज नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, क्योंकि 0 ही है जो इसका पॉइंट ऑफ नॉन यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट वाला बनता है। समझ में आया? तो चलिए, फर्स्ट का आंसर मेरे पास एक सेकंड में आ गया, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट। अब मैं बी का आंसर लिखना चाहूँ, बी को देखिए, न्योमिनेटर में n नहीं है, नहीं है n, तो ये क्या हो जाएगी, इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ये सब रियल के लिए कन्वर्जेंट हो जाएगी। बट ये मत सोच लेना, आप सोचोगे कि मैम आपने ये 3-4 सीरीज लिख ली, आपने तो लर्न कर ली होगी इसलिए जल्दी जल्दी से लिख रहे हो। भाई इसलिए बोल रही हूँ, आप अपनी तरफ से भी क्वेश्चन लेके देखें। इसके बाद मैं और भी बहुत सारी सीक्वेंस दूंगी, सिर्फ इतनी नहीं है, और भी सीक्वेंस दूंगी, सब में ये अप्लाई हो रहा है, तभी मैंने निकाला ये। अब नेक्स्ट देखिए, C1 देखिए, C1 में भी न्योमिनेटर में x नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, ठीक है ना। अब D पे आ जाइए, D में क्या आ गया आपका, न्योमिनेटर में n आ गया, क्या आ गया, n आ गया न्योमिनेटर में, तो f ऑफ n x इज आल्सो नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट इन 0 to 1, जिस इंटरवल में ये 0 to 1 कंटेनिंग है, उसमें ये 0 कंटेनिंग है, उस इंटरवल में ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं है। देख सकते हो आपके सामने मैंने चारों क्वेश्चन कर दिए। अब अगर आपके एग्जाम में आता है, वहाँ पे ये लेंथी मेथड सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मली हम कैसे करते हैं, मेथड भी बता देती हूँ। अगर आप इन सभी को चेक करना चाहते हो कि मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा है, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। पहले तो हम लिमिट निकालते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ x आ जाता है, ये इक्वल आ जाते हैं, है ना, f ऑफ x की वैल्यू आ जाती है, सॉरी f ऑफ x इसके इक्वल आ जाता है। फिर इन दोनों का हम डिफरेंस
लेस देन एप्सिलॉन कर देते हैं। अगर लेस देन एप्सिलॉन आ जाता है तो ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाती है, अदरवाइज नहीं। एक ये मेथड है। सेकेंड है हमारा एमएन टेस्ट लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ी सी और लेके चले सीरीज, चलिए चलते हैं कुछ और सीरीज के बारे में। समझ में आ गया होगा यहां तक। अब आगे मैं कुछ और लिख रही हूं और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। बड़ा मजे से ये क्वेश्चन होंगे और एग्जाम में आप डैम श्योर है अगर ऐसी सीरीज आएंगी एक सेकंड में आंसर लगा के आओगे, क्योंकि आपने तो एमसीक्यू स्टिक करने हैं, आपने कौन सा वहां पे सॉल्व करके देना है कि भी कैसे आपका आंसर आया, ठीक है ना। हमें तो एग्जाम क्रैक करना है। तो मैं कुछ और लिखना चाहूंगी, कुछ सीरीज मैंने काफी निकाल के रखी थी यहाँ पे जो इसी के बेस थी। थोड़ा सा और भी आएंगे डिफरेंट टाइप की, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। अब चलिए मेरे पास एक सीरीज और आ गई, सीरीज बोल रही हूँ सॉरी सीक्वेंस, है ना, एक सीक्वेंस और आ गई। कौन सी सीक्वेंस है? एक्स अपॉन एन वन प्लस एन एक्स स्क्वेयर, ये आ गई। सेकेंड वन इज एन एक्स अपॉन वन प्लस एन स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर आ गई, ठीक है। वैसे तो और भी हैं बट मैं बाकी कुछ आपके लिए भी छोड़ रही हूँ, आपने खुद करनी है। उसके बाद तो सीरीज आ रही है ना। चलो ये सीक्वेंस में एक और ले लेते हैं, एक और सीरीज ले ली मैंने आप। इन सब को आपने चेक करना है, ठीक है। तो कैसे चेक करोगे? फर्स्ट सीक्वेंस में चले हम, न्यूमिनेटर में एन नहीं है, डिनोमिनेटर में ओनली एन है, यस यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे ना आपको ऑप्शन में ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट कब हो जाता है? फॉर ऑल रियल एक्स के लिए। वो अगर आपको ये लिख दे भी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो भी आप क्या करोगे, उस ऑप्शन पे टिक कर सकते हो। क्यों? क्योंकि जब फॉर ऑल रियल के लिए है तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए तो होगा ही, है ना, वो रियल में आते हैं आपके ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चलिए अब अगर नेक्स्ट देखना चाहूँ, एफ ऑफ एन एक्स, ये यहाँ पे न्यूमिनेटर में क्या आ गया? एन आ गया। वही बात, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट, ठीक है ना, इन जीरो टू वन। अब नेक्स्ट देखेंगे, एक्स आ गया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट फॉर ऑल एक्स, हो गया, इजी था, ठीक है ना। ऐसे बस आपने क्वेश्चंस करने हैं। अब अपने प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो और सॉल्व करो, आपका हो जाएगा चुटकियों में। बड़ा मजा आने वाला है जब ऐसे आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब उसके बाद हम थोड़ा सीरीज के बारे में देखेंगे और इसी के कुछ और सीक्वेंस देखेंगे। तब तक के लिए बाय और प्रैक्टिस कीजिए, प्लस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहती है।